देखिए अभी क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर डिस्पर्सन। लिखिए इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर, इट इज द एंगल बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर, टू एक्सट्रीम कलर आफ्टर डिस्पर्सन ऑफ लाइट, आफ्टर डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ओके देखिए सिंपल है भाई, ये प्रिज्म है हमारे पास, यहाँ से लाइट पास करेगी, इट इज वाइट लाइट। तो क्या होता भाई, इट स्प्लिट इनटू सेवन कलर्स। ओके आपने ये किसे नहीं पूछा रंगों में क्यों टूटती लाइट, बस कर लिख दिया रंगों में टूटती क्यों है, मैं क्यों बताऊं हैं, किसी ने नहीं पूछा भाई हैं, क्या को है क्या बोल रहे हैं, चलो छोड़ो। देखिए अभी ये कौन सा कलर था ऊपर बोला, रेड, रेड था, ये कौन सा था, वायलेट। तो इट इज द एंगल बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर, कौन सा एंगल भाई, कौन सा एंगल, ये तो पैरेलल आ रही है, अरे पैरेलल आ रही है, कौन सा एंगल है, देख तो दिया, इट इज द एंगल बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर, कौन सा एंगल, एंगल ऑफ डेविएशंस भी, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एंगल ऑफ डेविएशंस। देखो अगर प्रिज्म ना होती तो क्या होता, बीम स्टेट चलती हुई। अब ये जो रेड है ये एक्सट्रीम कलर है, एंड वाले ये जो एंगल बनाएगा, इट इज डेल आर वी, यस आर नो। और ये जो एंगल बनाएगा भाई कौन सा, ये वाला, तो कौन सा, डेल वी। जो तो नहीं तो करने की, हर एक का कुछ ना कुछ एंगल बनेगा भाई एग्जैक्ट लाइन के साथ। एक्सट्रीम कलर समझते हो, एंड्स वाले कलर जो उनके बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर डिस्पर्सन्स बोलते हैं। तो लिख लीजिएगा, लिख दिया ना, डायग्राम बना लीजिए, एक का बना लो समझ जाओगे क्या बोलना चाहते हैं हम लोग, आर का बना लो सिर्फ, रेड का बना लीजिए डेल आर, ठीक है। ये एंगल है इस तरह वाला, आपने याद है ना कल किया था हम लोगों ने, ये वाले एंगल से अगर बीम चलती स्ट्रेट तो ये, अगर मुड़ रही है तो ये एंगल जो बन रहा है, डेल जो था हमारा। तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, लिख लीजिए एंगल ऑफ डेविएशन इज डेल इज इक्वल टू, कुछ याद है, इट इज म्यू माइनस वन इंटू ए, ये था ना म्यू माइनस वन इंटू ए। अगर डेल हम निकाल रहे हैं रेड कलर के लिए, डेल आर इज इक्वल टू, तो उसका म्यू भी आर के अकॉर्डिंग होगा भाई, हमने कल टॉपिक किया हुआ है, प्रिज्म एंगल तो वही रहेगा, म्यू बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, रेड कलर के अकॉर्डिंग टू चेसी फार्मूलाज, यस आर नो, वेवलेंथ के हिसाब से वैल्यू बदलती रहती है म्यू की भी। डेल वी कितना होगा, म्यू वी माइनस वन इंटू ए फॉर वायलेट कलर, एक्सट्रीम कलर यूज कर रहा हूँ। अब इनके बीच में कितना एंगल है, क्लास एंगल निकाल लिए, इंडिविजुअल एंगल निकाल रहे हैं, इनके बीच का कितना, इनमें से बड़ा कौन है अभी, डायग्राम देख के नहीं बताओ, वैसे सोच के बताइए क्यों बड़ा है, डेल भी बड़ा होगा, कम ज्यादा डेविएशन शो कर रहा है वो, बताओ डेल भी सर, डेल भी बड़ा, यस सर, क्यों सर, इसकी वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है, सही बोल रहे हो, सबसे कम कम है तो उसका म्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, म्यू ज्यादा होगा तो ये होगा। एक क्वेश्चन आता है, व्हाई वी आर यूजिंग रेड लाइट, रेड लाइट एज ए डेंजर सिग्नल्स भी, बिकॉज इट हैव मिनिमम डेविएशंस भी, क्या होता है उसकी पावर, मिनिमम डेविएशंस रखता है, ये मुड़ता नहीं है, फैलता नहीं है, स्कैटर्ड नहीं होता भी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो दूर तो दिखता हमको ये, द व्हीकल्स का पीछे वाला लाइट होता है रेड लाइन्स दिखाते हैं उसको हम लोग, ये दूर तक लाइट दिखाई दें आपको भी, फैले ना लाइट, और स्ट्रेट लाइट पे जो बल्ब लगे होते हैं उसमें कौन सा बल्ब होता है, येलो लाइट लगती हो, येलो होती है,
इट इज सोडियम लैम्प ही. कौन सा लैम्प होता है? सोडियम लैम्प. अब स्कैटरिंग पावर हाईएस्ट किसकी होती है? वॉलेट की होती है. फैलना हाईएस्ट किसका है? डाइवर्सन किसका करना हाईएस्ट किसका है? वॉलेट का ही है भाई. ये सर नो, फैलेगा कौन? वॉलेट फैलेगा. उसके ऊपर इंडिगो, उसके ऊपर ब्लू, उसके ऊपर ग्रीन, उसके ऊपर येल्लो. तो भाई वाई वी आर यूजिंग येल्लो लाइट, वाई यू आर नॉट यूजिंग वॉयलेट कलर? रात को बैंगनी कलर का बल्ब लगा रखा आप लोगों ने, इमेजिन कर पा रहे हो? उसके बाद कौन सा है? इंडिगो भी उस जैसा ही होता है. उसके बाद कौन सा है? ब्लू भी उस जैसा ही है. उसके बाद कौन सा है? ग्रीन को रात ब्लैक में मिलाइएगा, मटमैला कलर बन जाएगा भी, मिट्टी जैसा भी. ठीक है, वो भी ठीक नहीं है. उसके बाद बसता कौन है? येलो ही बसता है. इसलिए वो लाइट फैलती है सड़क पे. तो इनके बीच का एंगल कौन सा भी क्लास? तो कैसे लिखोगे? डेल वी माइनस डेल आर भी. बड़ा डेल वी है भी. यस आर नो? तो कैसे लिखोगे? म्यू वी माइनस वन इंटू ए, म्यू आर माइनस वन इंटू ए. क्या इसको सॉल्व कर पाओगे भी? यस सर नो? यहाँ से एक गुणा करो, एक गुणा करो, ऐसे एक काट दो. पता नहीं क्या बोलेंगे. डी वी माइनस डेल आर, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए. क्या मैंने सही लिखा? अरे गुणा कर लो और करके दिखाऊँ क्या? इसकी इसके साथ करो, इसके साथ करो, इसकी इसके साथ करो, इसका तो ऐसे एक काट दो, एक ओमन निकाल लो. यस आर नो? बस दिस इज एंगल ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन. अभी किसी के बीच का हो सकता है, किसी दो एक्सट्रीम कलर के बीच का, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू बदल लीजिए इसकी. कर लोगे? नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्सिव पावर. इट इज द रेशो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन. इट इज द रेशो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन एंड मीन डेविएशन. सिंपल. डिस्पर्सिव पावर किसके बीच का एंगल अभी? एंगुलर डिस्पर्शन एंड मीन डेविएशन. मीन डेविएशंस इसका मतलब क्या है भाई? कोई बताएगा मेरे को? पता ही नहीं. देखो ये लाइट जाएगी भी. क्या मैंने पहले टॉपिक में लाइट को बटा सात कलर में भी? यस सर ना, बता दो क्यों नहीं बटा? हमको पता ही नहीं था ना सात कलर में बटेगा ये. यस सर ना, ऐसा नहीं है, पता था भाई. ये जो लाइट नहीं, हमने पूरी लाइट निकाल दी यहाँ से, वाइट लाइट. ये जो एंगल बन रहा था, टोटल एंगल था भाई डेविएशन, सातों रंग का मिला के भी. यस सर नो, जो हमने डेल निकाला हुआ ना, वो कंप्लीट लाइट का निकाल रखा है, नए की कलर का भी. हर एक कलर का अलग बन रहा है, जोड़ के बनाएंगे सभी, जोड़ देंगे कितना आंसर आएगा? डेल आएगा भाई. इट इज मीन डेविएशन. ये हो मीन डेविएशन. कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यस भी पक्का? तो एंगुलर डिस्पर्शन क्या है अभी? अभी हमने टॉपिक किया था अभी, कितना था? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, म्यू माइनस वन इंटू ए. अरे मीन डेविएशन क्या होता है? यस सर नो? ऐसे ये काट दूं तो कितना हुआ? बाई म्यू माइनस वन भी. यस सर नो? दिस इज द डिस्पर्सिव पावर. ये किसी प्रिंसिपल क्या होता है क्लास? कौन बताएगा मेरे को? सेवन कलर करने बोलते हैं. पक्का? देख लो कब बनता भाई. जब व्हाइट लाइट है, मेरा सुन नहीं रहा भाई. वाटर से पास करती हैं. आपने देखा रेनबो? yes, सभी ने? yes, तो ऊपर रंग कौन सा बनता है? रेड की वॉलेट भी. इतना इतना कौन देखते हैं? हम देखते ही नहीं है, प्रॉब्लम वही है. हैं? बताओ. अच्छा चलो, चार दिखते हैं उनको सर बना.
रेनबो क्या होता है ग्लास? देखिए आपको पता होगा जब बारिश रुक जाती है तो उसके बाद रेनबो बनता है। क्या हर बारिश रुकने के बाद रेनबो बनता है? हर में बनता है, हर एक बारिश रुकने के बाद वाटर ड्रॉप्स होती हैं एटमॉस्फेयर में, सन भी होता है, लाइट भी पास करती है, सात रंगों में टूटती भी है, सिंपल फिजिक्स है भाई। बनता हर बार है, दिखता हर बार नहीं है। सुना करो क्या बोल रहा हूँ, समझ में आई बात है? तो रेनबो क्या होता है लिख लीजिए, व्हेन व्हाइट लाइट ऑफ सन पास थ्रू द रेन ड्रॉप्स, व्हाइट लाइट ऑफ सन पास थ्रू द रेन ड्रॉप्स देन इट स्प्लिट इंटू सेवन कलर, इट स्प्लिट इंटू सेवन कलर, ओके, इट इज कॉल्ड रेनबो। क्या नाम है इसका? रेनबो भाई, ठीक है। दो तरह का रेनबो होता है विकलास, प्राइमरी रेनबो, यहाँ से एमसीक्यू आया अभी। प्राइमरी रेनबो कब बनता है अभी देखिए, ये मान लेते वाटर ड्रॉप है भाई इतनी बड़ी, ठीक है, हो जाएगा। और ये लाइट आ रही है अभी, वाटर ड्रॉप, इट इज वाइट लाइट, ठीक है। ये रेयर से कहाँ चली गई? डेंसर में। तो इस टाइम वाटर ड्रॉप्स बिहेव लाइक ए प्रिज्म्स भी। देखिए अब लाइट ऐसे जाती है अभी, आफ्टर रिफ्रैक्शंस, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शंस, फिर लाइट ऐसे जाती है, फिर लाइट ऐसे निकल जाती है, और ये हमारी आंख है भाई, ओके। दिन रखा इन्होंने इस पॉइंट को 44 डिग्री बनाता है एंगल्स, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, 42 to 44 डिग्री में, ओके। तो हमको यहाँ पे रंग दिखाई देते हैं, कौन से रंग? ऊपर कौन सा? रेड। नीचे कौन सा? वॉयलेट, ओके। ये हमारी आंख है भाई, अगर रिफ्रैक्टेड भी हमारी आंख से इतना एंगल नहीं बनाते हमको रेनबो दिखता नहीं, हमको भी रेनबो हर बार बनता है, दिखता हर बार नहीं है। जुराना में जो रेनबो बन गया, क्या रोहतकोल को देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एंगल ही बन पाएगा इतना उनके साथ। कर लोगे रेनबो? देखिए बारिश होने के बाद हर बार मॉइस्चर होते हैं एटमॉस्फेयर में, लाइट हर बार होती है, सनलाइट। कर लोगे? लाइट हर बार क्रॉस करती है रेनबो ड्रॉप से, स्प्लिट होती है, सेवन कलर्स में भी होती है भाई, बट दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि जो रिफ्लेक्ट बीम्स हमारे यहाँ इस इतना एंगल नहीं बना पाते भी। कर लोगे? तो इस कंडीशंस में भाई मेरे को बता सकते हो क्या क्या हुआ है अभी? यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे क्या हुआ है? कहाँ हुआ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शंस कहाँ हुआ? मिरर तो नहीं है अभी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस हो रहा है डेंसर से बाजार में, कुछ रिलेट रेयर में कंडीशन पूरी सी इज आईज ग्रेटर देन सी हो रहा है यहाँ पे, तो वापस मुड़ेगी बीम्स, और यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शंस भी। तो प्राइमरी रेनबो की कंडीशंस क्या है? दो बार तो क्या होना चाहिए? रिफ्रैक्शंस होना चाहिए, एक बार क्या होना चाहिए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, और आई खास कितना एंगल बनाना चाहिए? 42-44 डिग्री, तब जाके दिखाई देगा आपको। ये हो जाएगा, डायग्राम बना लिया, लिखिए फिर भी इन प्राइमरी रेनबो। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है क्लास, एमसीक्यू पूछ रखा क्या कितनी बार क्या हो रहा है अभी? दो बार इन रिफ्लेक्शंस है, एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शंस, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑप्शन दे रखे थे उन्होंने। कर लोगे? लिख लीजिए, इन प्राइमरी रेनबो देर आर टू रिफ्रैक्शन एंड वन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्टेड बीम मेक 42-44 डिग्री एंगल। बुक में 42 दे रखा है सिर्फ, 42-44 डिग्री एंगल। रिफ्रैक्टेड बीम मेक 42-44 डिग्री एंगल विद ओवर आई, विद ओवर आई कौन है? आई लेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमारे आंख में भी एक लेंस है, कर पाओगे?
ये था अभी आपका प्राइमरी रेनबो, उसके बाद सेकेंड पॉइंट डालिएगा सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो कब बनता है भाई, देखो रवि पुराने वाली, ठीक है। लाइट तो कहीं से भी जा सकती है ना, लाइट यहाँ से जा रही है आपकी बार, और आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर यहाँ से बाहर निकल रही है। इट मेक 54 डिग्री एंगल्स विद ओवर आईवी। इसमें क्या हुआ क्लास, यहाँ पे क्या हुआ, इट इज वाइट लाइट, यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शंस, टोटल इन रिफ्रैक्शंस, टोटल अगेन रिफ्रैक्शंस, ये सर ना रंग जो बनेंगे, ऊपर वॉयलेट होगा नीचे रेड होगा, पूरा रिवर्स प्रोसेस होगा भी। तो फिर आप रेनबो चेक करो ना, रेनबो चेक करो तो क्या करोगे, रंग चेक कीजिए उसके भी, बहुत रेयर केस है, मैंने आज तक देखा ये रेनबो। कर लोगे जब भी रेनबो बने चेक कीजिए ऊपर कौन सा कलर है उसका भी, अगर ऊपर वॉयलेट कलर है तो बहुत रेयर केस आपको दिख रहे हैं आपको, सही है कि नहीं है। तो लिख लीजिए, डायग्राम बना लिया, लेकिन सेकेंडरी रेनबो, इन सेकेंडरी रेनबो देर आर टू रिफ्रैक्शन एंड टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्टेड बीम मेक 54 डिग्री एंगल विद अवर आई, 54 डिग्री एंगल विद अवर आई, सही है, यस और नो, हो जाएगा अभी रब करते हैं। देखिए इसमें एक टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग मतलब होता फैलना भी, टूट जाना भी, लाइट का बिखर जाना भी, तो क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा सर्दियों में जब आप उठते 10 बजे तो लाइट आ रही होती है आपकी, है ना, खिड़की से, और मम्मी उठाती है झाड़ू मार के आपको, है ना भाई, तो ऑब्जर्व करना उस खिड़की की लाइट में 10 पट घूमते मिलेंगे आपको भी, ओके, और ऐसा लगेगा कि लाइट फैल गई वहाँ से सारा चारों तरफ से, उसको बोलते हैं स्कैटरिंग भी, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग की कंडीशन क्या क्लास, देखो स्कैटरिंग में की डेफिनेशन ये बोलते हैं भाई, वेन लाइट चेंज इट्स पाथ बाई चेंजिंग द विदाउट चेंजिंग द मीडियम भाई, लाइट चेंज इट्स पाथ विदाउट चेंजिंग द मीडियम, ये डेफिनेशन रिफ्लेक्शन की भी है, यस और नो, तो रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग में डिफरेंस क्या है, एक चीज तो है नहीं, लाइट क्या करती है, अपना पाथ चेंज करती है विदाउट चेंजिंग द मीडियम, ये डेफिनेशन सेम डेफिनेशन किसकी है, रिफ्लेक्शन की भी है। स्कैटरिंग होने की कंडीशंस क्या है क्लास, एमसीक्यूज के पॉइंट एक एक पॉइंट में लिख सकते हैं इसको, आपको टॉपिक नाम बना लो, छोटा सा टॉपिक बना लीजिए स्कैटरिंग भी, है नहीं करवाऊंगा नहीं, लेकिन एक एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो लिखवा देते हैं आपको हम लोग। स्कैटरिंग देखो नाम से होता है लाइट का टूटना भाई, क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं, समझ में आया। स्कैटरिंग होने की कंडीशंस क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल जिसे स्ट्राइक करेगी इज लेस देन इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। इक्वल टू भी कई बुक्स नहीं लिखती इसको, लेकिन लेस देन लिख दो और भी अच्छा रहेगा, इक्वल टू छोड़ दीजिए, ठीक है। साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, अगर ये कंडीशन हो रही है तो स्कैटरिंग होगी, मोर देन होगा तो रिफ्लेक्शन होगी भी, समझ में आया कि नहीं आया। मेरे से लाइट स्ट्राइक करी आप तक चलेगी, मेरा साइज बड़ा है वेवलेंथ ऑफ लाइट से भी, तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है अभी, यस और नो। और डस्ट पार्टिकल स्ट्राइक करके लाइट फैल रही है चारों तरफ ही, वो क्या हो रहा है, और स्कैटरिंग हो रहा है अभी। जब किसी पार्टिकल का साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से छोटा हो तो क्या होती है, स्कैटरिंग होती है, यस और नो, कर लोगे। इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं भाई, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है व्हाई स्काई इज अपीयर टू ब्लू, स्काई का रंग ब्लू क्यों, जबकि ब्लैक कलर होता है स्काई का भी,
एग्जेक्टली कलर क्या है स्काई का? ब्लैक है भी, ब्लू क्यों दिखता हमको भी? हमारी एटमॉस्फेयर में 71% नाइट्रोजन अभी, यस और नो? 70% क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का साइज वेवलेंथ लाइट से छोटा होता है, यस और नो? तो लाइट क्या करती है, स्कैटर हो जाती है वहां पे भी, व्हाइट लाइट। अब प्रॉब्लम क्या है, ब्लू क्यों दिखता है? हमारे लाइट में 7 रंग है भाई, वॉलेट क्यों दिखता? अच्छा लगता है ना भाई, ब्लू क्यों दिख रहा है? एक इमेजिन करो भाई, एक ड्राम है भाई आपके पास पानी का, उसमें एक ड्रॉप डाल दी नीली साई की भी, क्या करेगी? पानी नीला हो जाएगा क्या? उस इतनी फैल जाएगी कि वो दिखाई भी नहीं देगी आपको भी। तो हाईएस्ट स्कैटरिंग पावर किसका है? वॉलेट कलर का भी। वो इतना फैल जाता है आसमान में, दिखता भी नहीं हमको भी, यस और नो? उसके बाद किसका है? अभी इतना ही फैलता है, उसका दिखता कौन है हमको? ब्लू दिखता है। आसमान बहुत बड़ा है, एक एक सिंपल एग्जांपल है, ड्रॉप डालनी है आपको एक ड्राम पानी के अंदर, तो इतनी फैल जाएगी उस पानी में, वो दिखाई भी नहीं देगी आपको, यस और नो? तो इसलिए कलर क्या होता है? ब्लू दिखता है। दिखना क्या चाहिए? इंडिगो दिखना चाहिए भाई, यस और नो? दूसरी बात ये है, सी का वाटर ब्लू क्यों दिखता है जबकि ट्रांसपेरेंट होता है? स्केटरिंग पे सीवी रमन ने क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था इसी टॉपिक के ऊपर, स्केटरिंग के ऊपर भी, बाय रमन इफेक्ट भी। सी में साल्ट होता है NaCl भी, जिसका साइज मॉलिक्यूल्स भी क्या होता है? लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो वहाँ पे क्या होती है? स्केटरिंग ही होती है भी। ऐसा नहीं कि आसमान की परछाई गिरती है इसलिए ब्लू दिखता है पानी में, तो वहाँ पे क्या हो रही होती है? स्केटरिंग। हाथ को उठा के देखो उसको, ट्रांसपेरेंट मिलेगा आपको भी। ये है भाई आपका रीजन, किसकी वजह से हो रहा है सारा? इस पॉइंट की वजह से हो रहा है अभी, कर लोगे? दूसरा, मॉर्निंग टाइम पे और या सॉरी सनसेट टाइम और सनराइजिंग के टाइम पे भी सन रेड क्यों दिखता है? ये क्वेश्चन 10वीं क्लास में आते होंगे, वहाँ तो रट्टे मरवाते हैं आपको, कर लोगे? अगर आप देखो ढंग से रात को, देखिए खेत में गए कभी, ऐसा लगा कि आसमान मिल रहा है अभी, उसको होरिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? होरिजन। हमारी जो अर्थ है ना वो फ्लैट नहीं है, करोड़ फॉर्म में है अभी, तो हमें हमको एक रेंज तक का ही दिख सकता है, यस और नो? तो जो हम तक दिख सकता है मैक्सिमम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? होरिजन बोलते हैं। हमारा सनराइज हो रहा है अभी, यहाँ पे क्या दिखता सन हमको? रेड हो जाएगा, फिर कुछ देर बाद येल्लो, कुछ और हेड दोपहर को वाइट, इवनिंग टाइम पे अगेन रेड भी, यस और नो? ऐसा क्यों हुआ? सन ने क्या किया, अपने लाइट को फेप दे दिया भाई आसमान में भी, अब स्कैटरिंग हो रही है। ये एक टॉपिक पढ़ा होगा टेंडल इफेक्ट्स पे, स्कैटरिंग लाइट, कि पानी दिखने लगा ब्लू और आखिरी चला गया रेड लाइंस दिखाई दी, इतना नहीं कराना मेरे को टॉपिक। टेंडल इफेक्ट पढ़ा है? क्वेश्चन भी आते हैं तो हाँ छोड़ो। ये यहाँ पर क्या दिखाएगा आपको? रेड दिखाई देगा अभी, कर लोगे अभी? ये नहीं दूंगा रेड क्यों दिख रहा है, यहाँ पे कुछ देर बाद येलो दिखाई देगा, उसके बाद वाइट दिखाई देगा अभी। सन ने अपनी लाइट को दे दिया आसमान को अभी, आसमान में क्या था? नाइट्रोजन था, तो आसमान दिखाई दिया ब्लू कलर का भी। सबसे कम स्केटरिंग पावर किसका है? रेड का है, वो फैलेगा ही नहीं है। आखिरी में लाइट में बचेगा क्या? उसके पास सिर्फ रेड बचना है, यस और नो? यहाँ था सन के पास सर्व क्या बचना है? रेड बचना है, जो स्केटर नहीं हो रहा अभी उसका। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सनसेट पे टाइम क्या दिखता हमको? सन रेड दिखता है, कर लोगे? अब ये नहीं का सनसेट, किसी का सनराइज भी तो है, इस तरफ भी तो लोग रहते हैं अर्थ के, तो यहाँ पे सुनकर सनराइज एग्जैक्टली दिखता है उनको वही पॉइंट पे आके, क्योंकि 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद का टाइम होता है हमारा, ड्यू टू एटमोस्फेयर रिफ्रैक्शन से, 10वीं क्लास के टॉपिक होते हैं, इनको दिखता है यहाँ पे रेड लाइट, रेड भी उनका सनराइज हो रहा है। फिर सेम प्रोसेस उनकी होती है, सन चल रहा है ना, यहाँ पे आके उनका क्या होता है? सनसेट रेड कलर में, और उनका रेड हमको क्या दिखता है? फिर हमारा सनराइज रेड कलर में, कुछ देर तक बस, 2 मिनट तक, 2 मिनट पहले दिखता है सनराइजिंग के टाइम पे, 2 मिनट बाद छिपता है सनसेट के टाइम पे। लिखो पहला क्वेश्चन 2008 CBSE बोर्ड भी, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म
इक्विलेटरल ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म फ्रॉम एयर undergoes minimum deviation when angle of incident is 3 by 4 of the angle of prism, 3 by 4 of angle of prism, calculate speed of light in prism. Okay, equilateral triangle है भाई, तो what is prism angle? 60 degree हो जाएगा, और incident angle कितना है भाई? 3 by 4 of angle of prism, yes or no? कितना बन गया ये? 45 degree, सही है कि नहीं है? बस क्या आया करने के लिए, क्या निकालना भाई? स्पीड ऑफ लाइट के लिए म्यू चाहिए मेरे को भी, प्रिज्म फॉर्म लगा सकते हो? प्रॉब्लम क्या है, एंगल ऑफ मिनी डेव्स नहीं दे रखा आपको भी, तो ठीक नहीं है लगाना, यस सर ना, लेकिन तो कर ही सकता हूँ, आई तो हो गया, आ क्या आर निकाल सकते हो भी, आर क्या होता है याद है आपको, ए बाई टू, एंगल ऑफ मिनी डेव्स में तो सारे एंगल बराबर थे भाई, ये तो कर ही सकते हैं हम लोग, यस सर ना, तो आर का वैल्यू कितना था, ए बाई टू, कितना हो गया भाई, 30 डिग्री, और म्यू कैसे निकाल सकता हूँ, साइन आई बाद में आना, साइन आई बाई साइन बाद में, साइन आई बाई साइन आर कर लोगे, तो म्यू इज इक्वल टू, म्यू निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, 45, साइन 45 बाई साइन 30 डिग्री, कितना वैल्यू होगा भाई म्यू का, अंडर रूट टू, चेक करो ये है क्या, क्या ये किसका आया है, ये प्रिज्म का है भाई, क्योंकि लाइट ए, ए ये अपने आई और आर किया हुआ है, प्रिज्म का ही मटेरियल्स का, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी कर सकता हूँ भाई, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाई इन मीडियम्स, भी मीडियम की निकालनी है, वी इज इक्वल टू सी बाई म्यू, सी कितना 3×10⁸, म्यू कितना अंडर रूट टू, आफ्टर सॉल्विंग देख लेते हैं ना भाई, 2.10⁸ मीटर पर सेकेंड भी, एरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 such that angle of incident is equal to angle of emergence and the lateral is equal to 3/4. Lateral is equal to 3/4 of the angle of prism. 3/4 of the angle of prism. Calculate the angle of deviation. अब किसी को स्टेटमेंट समझ में आई भाई? तो वैसे भी नहीं आती है ना भाई, इसमें नेरा क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी क्लास, तो ए कितना है इसका, 60 डिग्री, इन्होंने एक कंडीशन दे रखी है कि इसका इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल बराबर है अभी, यस और नो, तो आई वन इक्वल टू आई टू, याद है ट्रायंगल्स, आई वन इक्वल टू ये वाला होता है लास्ट वाला आई टू, यस और नो, कितना है दिन रखा है इन्होंने, ये अब जी दे रखा है, इट इज 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म, किसके बराबर है ये, 3/4 ऑफ 60 डिग्री भी, कितना हो गया 45 डिग्री, पूछ बचा नहीं करने के लिए भी, यस सर ना, तो क्या निकलना भाई,
एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकलेगा बताओ जल्दी से, म्यू माइनस इन टू ए निकल जाएगा। हाँ सिंपल है, दिक्कत है को नहीं, जरूरत क्या थी इनकी, कोई जरूरत ही नहीं थी। यस सर ना, आंसर निकालना एक बार, बुक वाले का आंसर कुछ होता है किसी निकाल रहा है, इसका आंसर है 30 डिग्री आया हुआ है, 30 डिग्री है ये 30 आएगा ना, बुक वाला पता नहीं क्या नोटिंग कर रखा है भाई, इनटू 60 डिग्री मतलब डर क्या था मेरे को बताना पड़ेगा इतना कुछ। हो गया आंसर मेरा 30 डिग्री हो गया भाई। लिखिए अभी क्लास क्वेश्चन लिखिए, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फेस ए बी, फेस ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म शो द मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म दे रखे भी आपको, ये फेस ए बी है, ए बी अभी इसका कभी यूज नहीं है, अभी कुछ देर बाद इसका यूज होगा अभी क्लास। इसमें क्या दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए कितना अभी 60 डिग्री, मिनिमम डेविएशन कितना है 30 डिग्री। यस सर ना, बस सिंपल क्वेश्चन है भाई, पहले तो म्यू निकाल लेते हैं बाय यूजिंग प्रिज्म फार्मूला, अभी साइन बातें नहीं करनी, डेल एम प्लस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू, यही था ना भाई, साइन ही था तो कितना वैल्यू होगा म्यू का भी, साइन म्यू कितना है 30 प्लस 60 बाई टू 45 हो गया, साइन 30 तो उसका म्यू का वैल्यू कितना हुआ अभी प्लस, सॉल्व करने के बाद अंडर 2 आएगा ना, यस और नो, इट इज 1.414। आपको स्पीड निकालना है, सिंपल क्वेश्चन इस तरह कर चुके हैं हम लोग, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है, ठीक है तो वी इज इक्वल टू सी कितना है 3×10⁸ और म्यू कितना है 1.414, इसका आंसर होगा 2.1। ये पहले भी हो चुका क्वेश्चन इस तरह का, मीटर पर सेकेंड भी सही है, ये तो इसका बेसिक क्वेश्चन था अभी, पहले भी कर चुके हैं, अब इसका वो एग्जाम्पल बड़ा है अभी, ये अगर आप कर दें भी इतना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा अभी, इन द अबो एग्जाम्पल इसी का क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी जो भी करवा रहा हूँ, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं अभी, इन द अबो एग्जाम्पल फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट द फेस ए बी सो दैट एमरजेंट रे ग्रेस GRAZES along the face AC। डायग्राम देने रखे इन्होंने, बनाना पड़ेगा आपको, देखो क्लास क्या बोला गया है, ये पॉइंट बी था भाई, नॉर्मल ड्रा करें सही है, तो बीम से जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शंस भी, यस सर नो, यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करें, क्या बोल रहा है बीम्स कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है सही है, यस सर नो, बता दो नहीं बताओगे, हो गया यही होगा ना, अगर ऐसी बीम जा रही है क्लास
ये कितना एंगल हो गया अभी 90 डिग्री, ये कुछ कंडीशन नहीं बन रही, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकेम 90 डिग्री, किस एंगल पे, क्रिटिकल एंगल के ऊपर, ये सी होना चाहिए फिर, ये सर ना, तो आपको तो आई निकालना है, यही होगा, इसको सीटेस ले लूं, आई ये होगा या नीचे वाला होगा, ये होगा नॉर्मल है ये, दिस इज नॉर्मल, डायग्राम थोड़ा ढंग का बनाना भाई, ड्रेड कैसे निकलेगा, हाँ इस कंडीशन दे रखा, इस पे नहीं दे रखा कंडीशंस, कंडीशन अलग दे दी ना उन्होंने, वो अलग कंडीशन थी भाई, उसमें बोला कि एंगल ऑफ डेविएशन इतना दे रखा तो निकालो कितना आंसर आएगा, अब ये थोड़ी क्या होता है एंगल ऑफ, उसकी कंडीशन है कि नहीं है, ये सब निकाल नहीं सकते हम लोग, ठीक है, अगर ये एंगल ऑफ मिन डेविएशन कंडीशन होती ना तो ये एंगल और एंगल बराबर होते भाई, वो तो है नहीं, इट इज नॉट अ कंडीशन ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी, हो गया, तो सी निकाल सकते हो अभी क्लास, कैसे निकलेगा, साइन सी क्या होता है अभी, वन बाई म्यू, याद है कि नहीं है, साइन सी इज वन बाई म्यू, और म्यू कितना था अभी क्लास, वन बाई अंडर रूट टू था, म्यू कितना था, अंडर रूट टू था, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी हो गया 45 डिग्री, भी सी कितना हो गया 45 डिग्री, अगर सी 45 डिग्री है ये कितना है, ये 90 है कि नहीं, मेरे को पता नहीं अभी है, ये आर है, सही है, इसके अपोजिट एंगल है ये लाइन ऐसे है, ये 90 है, ये पूरा 90 है ना, ये 90 है पूरा, ये 90 है तो 45 डिग्री है, यस सर नो, ये आर है, ये कितना है, ये ऐसे है भाई, ये पूरा 90 है, पूरा 90 है, तो 90 माइनस आर भी 90 माइनस आर है, तीनों तो 100 से हो सकता है, तो कितना है 60 प्लस 90 माइनस आर प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 180, आर का वैल्यू कितना है 15 डिग्री है, सही है बिल्कुल भी, आर कितना है 15 डिग्री, बिल्कुल सही कर रहे हैं, और यहाँ पे अप्लाई कीजिए सनेल्ला भी, कितना आएगा साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, साइन आई इज इक्वल टू म्यू कितना था अंडर रूट टू इन टू साइन आर कितना है 15 डिग्री, इसका वैल्यू चेक करने के बाद ये 180 से आई का वैल्यू कितना आएगा आफ्टर सॉल्विंग 21.4 डिग्री, सही है भाई जो कर रहे हैं।